Hey guys, welcome back to my channel. माय नेम इज इथन. कैसे हैं आप? सो आज का व्लॉग ऐसा है कि आज है फाइनल डे तो नहीं बोलूँगी, वो तो कल होगा. और मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, बस थोड़ा सा बेसिक सामान रह गया, वो बहुत ज़रूरी है. मैंने अपने सिस्टर को कॉल किया कि मुझे करोल बाग से कुछ लें, तो शी वॉज लाइक कि मैं अपने ऑफिस के पास तो को मार्केट में मिलूँगी. और अब बज रहे हैं शाम के अराउंड 5:30 हो रहे हैं, मैं 6 बजे तक निकलूँ. मैंने शार ले लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर डेली में, तो अब बेंगलोर जाके ही आराम मिलेगा. तो आप सीधे आपको मार्केट में मिलते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं. टिकट क्या बस कर रहा था? इसका पास से ले तो वीडियो बना ले मैं. क्या नहीं, आप बहुत मैसेजेस करते हैं. हाँ, आप मेरे को हार्ड कॉपी दे दो. हर कोई ऐसे झूठ भोका भोका के ना, फिर मैसेजेस की बारिश कर देते हैं. सो गाइज, इससे दूसरे वाले भैया आए थे, इन्होंने मेरे को पहचान लिया था. ही वॉज़ लाइक कि मैम, मैं आपकी व्लॉग्स देखता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा, मतलब बहुत नेचुरल आप वीडियो बनाते हैं. सो मैं उन्हीं को कह रही थी थैंक यू सो मच भैया, इट मीन्स अ लॉट टू मी. वीडियो बना लेता कि तू और वो हो जाए कि देखो ये कितना लड़ती है. सच में लड़ती है बहुत, तो लड़ती है. कोई ज़्यादा पैसे ले ले तो ये बात पे सही है. एक्स्ट्रा फालतू में किसी को नहीं देना चाहिए. सो फटाफट से मैंने शॉपिंग कर लिया, घर जाऊँगी, लगेज का वेट करूँगी पार्टी फिर भी ड्यू है तुम पे. आप कौन? हम पार्टी के नाम पे आप कौन? होममेड पिज्जा. तुम्हें बनाना आता है? नहीं. अच्छा, तंदूर में बना रहे हो? हाँ, मेरे को तो ये कौन सा फ्लेवर बनाया? पनीर टिक्का. ओके. And this is farmhouse. ये farmhouse है? Gotcha. मैं तो ये सोच रही हूँ हम लोग मिलके pizza. You guys heard this? That too without me? टटियाँ लगेंगे तुम सबको. How's it? It's yummy. It's yummy. Okay. The cheese. Favorite cheese. Oh, favorite cheese. Okay. आज तो तुम्हारा last day नानी के घर पे. मेरी याद आएगी. बिल्कुल आएगी. जाने का टाइम आया मम्मी ने, युवा ने खूब धुना उसको, प्यार में खूब धुना उसको आज. हाँ, तो मैं इतना धुना कि ये भी याद करेगा नानी थी कौन था. मेरी बहुत टेस्टी लग रहा है, मम्मा को दे रहा है. वाह, लो मम्मा आपके. नहीं खाती क्यों? पिज्जे भेजे भेजे. सो गाइस, पता नहीं क्या हुआ था, हमारा एकदम से एसी वर्क करना बंद हो गया था. रात के बजे थे 11:30, तो हम क्या करते फिर इतने में. एज़ यूजुअल हमारी वाली सिस्टर बचपन से लेकर अब तक घर में कोई भी प्रॉब्लम हो इसी ने ठीक की है. वैसे तो कहने को ये जॉब करती है, शी इज़ एचआर, बट हमारे घर की सारी चीज़ें यही ठीक करती है. सर ठीक हो गया? ये I just hope अब ठीक हो जाए. वैसे लीक क्यों हो रहा था, कुछ आइडिया है? अभी भी ये मम्मी, आपने इसको इंजीनियरिंग क्यों नहीं करवाई? हैं, इंजीनियरिंग क्यों नहीं करवाई? क्या रही है?
ऐश रंगोली बना रही हूँ कसम से यार, इतना लीक कर रहा था, पता नहीं क्यों उसमें से इतना पानी ऐसे ड्रॉप ड्रॉप गिरने लग गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा इतनी रात को किसको बुलाएं, तो इतने में हमने बुलाया अपने इंजीनियर को। एंड आई स्वेयर बचपन से लेकर अब तक हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है, फैन, कोई वायर जॉइंट, पहले कूलर था, कूलर ठीक करना, कसम से हंस रही है। क्यों, सच में तुम नहीं करती थी? खाले कसम, झूठ नहीं बोलना, मुझे तो आज भी याद है। अगर याद हो कूलर जब करंट मारता था, रिमेम्बर? कमेंट में लिख देना हैशटैग एरिका मासी इंजीनियर। सो गाइस, गौरांश कुछ कहना चाह रहा है, सो आप बच्चे की खातिर कमेंट खूब सारे कर दे रहे हैं, क्या करना है कमेंट? गाइस कमेंट में लिख देना हैशटैग एरिका मासी ओपी। ओपी, ओपी इज व्हाट? ओरिजिनल पोस्ट। Oh my God, आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड है, इसे मैं तब सच में नहीं पता था। आपको लॉन्ड्री बैग बनाया जा रहा है सच में। मेरी भी तो है, क्योंकि मेरी मुझे पैकिंग नहीं आती। ये देखो, इन लोगों ने इतना सामान दे दिया, कौन लेके जाएगा काजू बादाम वगैरह? इतना दोबारा से पैकिंग हो रही है और ये करने नहीं दे रहा हमें। मुझे सच में बिल्कुल भी पैकिंग नहीं आती, तो मैंने अपनी बहन को बुलाया कि बहन तुम ही आके मेरी हेल्प कर, मुझे पता बेचारी कि मैं भी रेस्ट के लिए आई थी, है ना, रेस्ट करने के लिए आई थी। फोटो खींचे आज एक साल के बाद शायद मैं भी अपनी माँ के घर आई हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं मेरी माँ के घर आई हूँ। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे पसंद नहीं है। कैसे जो बनता है, जो बनता है बेटे, ये बच्चों के कपड़े, तेरे कपड़े, ये क्या हो गई, इतने हो गई? मैं नहीं, ये नहीं लूंगी, मैं भी एक साल के बाद आई हूँ। नहीं बस मैं ये सो रखी, ये नहीं मैं ये नहीं लूंगी। मैंने कहा ना बेटा, नहीं ये नहीं, आपने ये युवान का दे दिया, ये मेरा दे दिया, मेरे पति का कहा? ये मैं ले लूंगी। नो, अच्छा देखो, ये नहीं काफी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कहा बस ये काफी है, बस खुश रहो और आते जाते रहो, बस आते जाते रहे। बाकी यार ड्राई फ्रूट जो कुछ है ना, हाँ वो सब तो चलो करवा, ये भी खा लेना, ठीक है बच्चे? गाइस मम्मी ने, अब बताओ गाइस मैं क्या करूँ? आई थिंक आप सब भी बताना, अगर आप लोग अपने मायके आते होगे कि आपकी मम्मी लोग कितना कुछ करती है। अभी तो ये कपड़े और ये कैश जो भी है मैं दिखा नहीं सकती, और ये युवान के, और अंदर इतने ड्राई फ्रूट दिए हैं इन्होंने, इतने ड्राई फ्रूट दिए हैं, लाइक इतने सारे ऑलरेडी मेरे घर पे हैं, बट फिर भी नहीं ले जाओ, वो ये ना माँ के अंदर की ममता, ले जाओ जो भी है, ले जाओ। आधे से ज्यादा वजन तो इन कपड़ों का है जो ये लेकर आई है और पाया नहीं है। मैंने इसको बोला था अपने कपड़े मत लेकर आइए, मेरे कपड़े ले लिए। और 3 दिन से मेरे ही पहन के घूम रही है, पूरा ब्रीफ केस भर के लेकर आई थी, विच इंक्लूड्स 8 to 10 नाइट सूट एंड 8 to 10 कैजुअल वेयर। मैं कहती हाँ हाँ, सिर्फ युवान के कपड़े लेकर आ रही हो, मैं अपना एक जोड़ा नहीं लेकर आ रही हूँ, और अभी आधी से ज्यादा पैकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो हाफ ब्रीफकेस है, और इसमें कपड़े अभी तक सिर्फ शीतल के गए हैं। नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ ये था कि मुझे बहुत ही जगह घूमने जाना था, सीरियसली बहुत जगह, मैंने हर चीज प्लान करके रखी थी, फर्स्ट डे ये जाऊंगी, सेकेंड डे ये जाऊंगी, बट कुछ काम ऐसे आ गए थे, कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए थे, मुझे भी डॉक्टर्स को दिखाना था युवान के डॉक्यूमेंट्स, तो हम कहीं जा नहीं पाए, उसमें मेरा फॉल्ट है, मेरे कपड़े यूज नहीं हुए। मैं तो बोल रही जो चाहिए इसमें से ले लो, अब वही बात है ना, इनको आएंगे नहीं। ओ प्लीज, अभी पाके दिखाऊंगी, आई बड़ी, अभी वेट मशीन में आपका दिखा देंगे वेट क्या। सो गाइस, एक सच में है, बहनों का ना बहुत फायदा होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ ही कपड़े लेके बैठी हुई हूँ।
कुछ नहीं करो ये बेचारी कसम से आई स्वेयर। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है। सो आज की है मेरी फ्लाइट जो मैं जा रही हूँ। बेचारी मेरी मम्मी जा नहीं रही क्योंकि हमारी जो कार है उसके अंदर सीएनजी लगी हुई है, डिक्की में स्पेस नहीं है, तो बेचारी मेरी माता घर पे ही है। सो मैं हो गई रेडी। वो सब युवान को रेडी करना है, उसकी फाइनल ड्रेसिंग करनी है, उसके थोड़ा ऑपरेट हुआ था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइस यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर युवान की ड्रेसिंग कर रही है और ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है और देखो इसको कितनी नींद आ रही है। हम लोग मॉर्निंग में 3 बजे उठ गए थे। मामू को भी जय करो, मामू को भी जय कर करो। सो गाइज ये टाइम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की के लिए अपने मायके से जाना। आई होप आप सबको भी बहुत लगता होगा। और यहाँ मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मम्मा भी हो गए थे। मम्मा बेचारी किस तरह से बाय करती, वो दिखाती हैं स्ट्रॉन्ग है बट वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज मेरा थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। आप जैसे गाड़ी में देख सकते हैं कितना सामान है, इसीलिए मम्मा सिस्टर उनका बेटा कोई भी नहीं आ पाया। एंड बहुत अच्छा हुआ था कि अपने अर्ली मॉर्निंग की ली थी फ्लाइट क्योंकि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था। आप जैसे देख सकते हैं बहुत स्मूथ था। सो गाइज फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो और यहाँ पर मेरी सेकेंड नंबर वाली सिस्टर जो मैंने आपको बताया था इंजीनियर ऐसी, वो ये भी काम कर ले, सब कुछ कर लेती है। शी इज़ रियली वेरी स्वीट। और एक्चुअली क्या था, युवान ने मेरे को बहुत तंग करता है ये एयरपोर्ट पे ना, इधर भागता, छोटा बच्चा है तो ये मुझे बाहर से बिल्कुल बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ फाइनल करके देते, बस जाके मुझे चेक इन करना था और लगेज अपना उनको देना था और कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई। सो गाइस हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, हमने चेकिंग कर लिया था। यहाँ देखो इसकी तबीयत ख़राब हो गई और मायके में आके बच्चे बीमार ना हो ये तो होगा ही नहीं। इतनी मुश्किल से हम इसको ठीक करके लेकर आए थे, जाने का टाइम आया और ये फिर से बीमार हो गया। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एरोप्लेन अभी चलते हैं, अभी आपका एरोप्लेन ना 7 o'clock आएगा, आपके पापा ने बनाया ना आपका एरोप्लेन। सो यहाँ पे मैं सोची थी क्या करूँ, फिर मैंने कहा कि चल इसको फटाफट से ब्रेकफास्ट ही करवा देती हूँ, जब तक हम फ्लाइट हमारी आती ही नहीं है। तो मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराया, यहाँ पे खेल खेल में मस्ती में खा भी रहा था और खेल भी रहा था। बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी शैतानियाँ कर रहा था, ढंग से टिक के बैठ ही नहीं रहा था। और फिर फ्लाइट में इनको आगे पॉटी, अपना लोअर इन्होंने गंदा कर दिया, फिर वो चेंज किया, इतना दुखी कर दिया ना भाई साहब मैं बता ही नहीं सकती। सो गाइस यहाँ पे हम आराम से टाइम से लैंड कर गए थे, इनफैक्ट पहले ही लैंड कर गए थे। युवान की यहाँ पे अपनी मस्ती चल रही है, युवान के पीछे आप ये चेक में देख रहे हैं ना, उन बेचारों से गलती से युवान को ठक लग गया था और बेचारा रो। ये होती है मिलन एक्चुअल। देखो देना पापा मम्मा पास आना है। नो अच्छा तो गाइस भूख लगने लगी थी तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स दिख गया था पास में, तो हम यहीं पे रुक गए थे कि खा के निकले क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत मिल रहा है तो टाइम नहीं मिलेगा हमें। सब खाना पीना हो चुका है, बहुत ज़्यादा थके हैं, अब घर जाके सीधा सोएंगे और आपसे मैं सीधा शाम को मिलूंगी और अब पूरा 1.5 घंटा लगेगा आराम से गाड़ी में सोएंगे। चलिए गाइस थोड़ी देर में आपसे मिलूंगी। गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग आए हैं मार्केट। बहुत अच्छी नींद ले रही थी, बहुत थक गई थी मैं, तो मैंने यमन को बोला चलो मार्केट ले चलो, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं और फिर खाना वाना भी बनाना है घर पे, है ना युवान? युवान क्या दिस लाइट? या दिस इज लाइट। सो बस घर जाके खाना बनाना है और मैं फिर से सो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा थक गई, बैक में प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरी जर्नी। So please do like, subscribe my channel and do follow me on Instagram. So see you in my next one. Till then take care, bye bye.